केंद्र सरकार की ओर से सभी धार्मिक स्थलों को सोमवार से खोलने के आदेश के बाद माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड ने भी मंदिर खोलने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के मद्देनजर शनिवार को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के CEO MS यादव ने भी कालका काली मंदिर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, केवल सरकारी आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। सोमवार से नियमों के अनुसार श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु मास्क लगाकर मंदिर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। मंदिर के बाहर जल्द गाइडलाइन संबंधी बैनर भी लगा दिए जाएंगे। देखो, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, स्टेट गवर्नमेंट का जो मार्गदर्शन था, उसी हिसाब से हमने अपनी सारी तैयारियाँ कर ली। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पर लोग जाएंगे, वहाँ पर टोकन फॉर दर्शन एक ऐप है, उस पर जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मनसा देवी में आना चाहते हैं तो मनसा देवी के लिए वो क्लिक करेंगे, अगर वो कालका देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ का क्लिक करेंगे। दोनों का ऑप्शन है उसमें। उसके बाद में हमारा अगला जो है ना वो फोल्डर खुल जाएगा, उसमें वो हेड कौन है, कितने बजे आना चाहते हैं, जो भी टाइम उसको सूट करता है वो उसी हिसाब से अपना उसमें भरेगा। वो खाली है तो उसको मिल जाएगा। कितने आदमी हैं, एक आदमी है तो उसको 15 सेकंड मिलेंगे, 4 हैं तो 60 सेकंड मिलेंगे दर्शन करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमने वो एक स्लॉट बना लिए हैं। अब उसमें अभी क्लियरेंस आनी है गवर्नमेंट से कि क्या इसको चलाना है, नहीं चलाना है, खोलना है या नहीं खोलना है। अभी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मार्गदर्शन मिला नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन हमारी तैयारियाँ अपनी पूरी हैं। तो जो ही लोग आएंगे तो सबसे पहले हम उनका थर्मल स्कैनर करेंगे, उसके बाद में हम उनके हाथ पैर धुलवाएंगे, उसके बाद में वो लाइन में आएंगे, उसके बाद में जब जो ही वो ऊपर दर्शन के लिए इधर आएंगे तो हमने वहाँ पर फोटो ऑपरेटेड अपने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, वहाँ पर हाथ सैनिटाइज करके वो यहाँ आएंगे। आने के तुरंत बाद जो है वो अपना दर्शन करेंगे, ना ही उनको चरणामृत मिलेगा, न कोई तिलक होगा, न उसको रस मतलब वो धागा बंधेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं उसकी गाइडलाइन नहीं, ऐसा ना करे। साथ साथ में हम 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग, या कोई बीमारी है किसी को, तो वो हम गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे यही सलाह है कि वो ना आए, नहीं होगी वो फिर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी। द वेरी पर्पज ऑफ दिस दैट विल बी डिफिटेड जी। तो हमने 17 मार्च को उतार दिए थे सारे मंदिरों में, हल्का भी यहाँ भी हमने 17 मार्च को जो है घंटियाँ उतार दी थी कि वो तो उनको ताश लगाना, फिर वो मतलब फैल जाएगा इन्फेक्शन जी। हमने वो उसमें प्रोविजन जो किया है अभी 4,000 से 5,000 के बीच किया है, लेकिन वो अभी टेंटेटिव है, जैसे गवर्नमेंट कहेगी हम उस हिसाब से कर लेंगे। हमारा प्लेस है ईयर मार्केट प्लेस है, वहाँ लोग आएंगे, वहाँ अपने जूते उतारेंगे, जूते उतारने के बाद में उनका अगर मान लो कोई स्कूटर पे आता है, 2-3 आदमी है, उनका वो स्कूटर में रखने की जगह नहीं है जूते, तो वो हमने शो रैक रख दिए हैं। नहीं, कोई चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसमें हमने अभी प्रोविजन किया, वो तो करेंगे भी, गवर्नमेंट कितने दिन एडवांस करना है वो भी गवर्नमेंट ने बताना है। हमने अभी 3 दिन का प्रोविजन किया हुआ है कि मान लो कल से खुलता है तो हमने 8, 9, 10 का एकदम 3 दिन की बुकिंग हो जाएगी। 9 तारीख खत्म होते ही हमने जो 11 की शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, एक एक दिन आगे। तो अभी तक कितनी बुकिंग्स हो चुकी? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो कोई आदेश ही नहीं आए हैं कि भाई स्टार्ट करो और कल खुलेगा या नहीं खुलेगा, कुछ नहीं कह सकते। और बुकिंग का टाइम आऊगा तो कोई टाइम भी आऊगा ना इस समय के दौरान ही, मतलब नहीं, वो सवेरे हमने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है टेंटेटिव 6 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक, क्योंकि आपको पता है शाम के 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक तो कर्फ्यू है, इस बीच कौन आएगा? नहीं। कोई नहीं आएगा, तो हमें भी फिर उसके लिए तैयारी चाहिए, आरती भी है इस बीच जी। तो वो हम 6 बजे शुरू करेंगे 8:15 बजे, क्योंकि फिर 8:30 बजे हमारी भी आरती है, वो 8:45 बजे तक चलेगी। उसके बाद में हमने फिर सारे कैंपस को सैनिटाइज करना है अगले दिन के लिए, अभी सैनिटाइज होकर हटा है पूरा कैंपस, पूरे को सैनिटाइज किया है।